मैं आपको बताऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लीन अमाउंट का मतलब क्या होता है। और ये कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नहीं, आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और लीन अमाउंट आप जानना चाहते हो तो आप जरूर यहाँ पर समझ सकते हो। और लीन अमाउंट कोई आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके बारे में गलतफहमी रखते हैं, वो गलतफहमी मैं आपको दूर कर दूं, बहुत विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। अगर आपके अमाउंट में सॉरी बैंक अकाउंट में लीन अमाउंट शो हो रहा है, मान लीजिए कि वहां पर 2500 रुपया आपका लीन अमाउंट शो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2500 रुपये आपको बैंक को देने हैं, ठीक है। अगर मेरे अकाउंट में लीन अमाउंट 2500 शो हो रहा है, इसका मतलब मुझे 2500 रुपये बैंक को देने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि 2500 शो हो रहा है तो 2500 रुपया हमारा है, ठीक है। ये आप मत सोचिए, एक हमारे लिए खुशखबरी नहीं है। कोई ना कोई काम ऐसा आपने किया है जिसके चलते वो लीन अमाउंट में आपका वो अमाउंट शो हो रहा है जो आपको बैंक को देना है, ठीक है। इसका बहुत सारा रीजन होता है, कुछ रीजन मैं आपके साथ यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर लीन अमाउंट 45,000 शो हो रहा है, ठीक है। जनरली आप इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट अगर यूज करते हो तो आप अकाउंट पर जब जाओगे अपने, ठीक है, तो वहां पर आपको वहां पर अकाउंट स्टेटमेंट में ही शो होता है यहाँ पर लीन अमाउंट करके। तो इसका मतलब आप यहाँ पर आके देख सकते हो लीन अमाउंट कितना है, ठीक है। और तुरंत आपको बैंक में जाकर जो है पता करना चाहिए कि आपका आपने जो बैंक में लीन अमाउंट डाला है हमारे, आखिर क्या रीजन है जिसके चलते ये शो हो रहा है, और इसको आप खुद से रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये उधारी जो आपने लिया है किसी भी कारण से, जो ये प्रॉब्लम हुआ है, ये आप जब तक बैंक को नहीं चुकाओगे वहां से लीन अमाउंट आपका वो नहीं हो हटेगा, और जब जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा ये पैसा वहां से डिडक्ट हो जाएगा, समझे। तो ऐसे स्थिति में बैंक अकाउंट आपका होल्ड पर भी जा सकता है और आपका बैंक में जो बैलेंस है वो भी आपका होल्ड पर जा सकता है, ठीक है। और आप चाहो यहाँ पर डिफॉल्टर भी हो सकते हैं, आपके अकाउंट को डिफॉल्टर अकाउंट भी घोषित किया जा सकता है बैंक के द्वारा। क्या क्या रीजन हो सकते हैं इस चीज को भी आपको यहाँ पर समझना होगा। पहला रीजन अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए रीजन एक बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 4500 रुपया आया, ठीक है। मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में 4500 रुपया आया, ठीक है। और 4500 रुपया आया और तुरंत जाके मैंने बैंक से उसको एटीएम से निकाल लिया, मुझे पता नहीं है वो बैंक कहाँ से पैसा आया, मुझे पता नहीं किसने भेजा, नहीं पता है। बैंक ने उसको अप्रूव कर दिया, मेरे अकाउंट में आ गया, हमने 4500 रुपया जो है एटीएम से निकाल लिया। अब किसी दूसरे बैंक ने मेरे बैंक को सूचित किया कि 4500 रुपया गलती से आपके कस्टमर के अकाउंट में, मेरे अकाउंट में चला गया है, ठीक है, वो पैसा हमको वापस कर दीजिए। तो पैसा हमारा तो नहीं था, 4500 हमारे अकाउंट में गलती से आ गया, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, क्योंकि पैसा तो मैंने निकाल लिया, तो क्या करेगा, मेरे अकाउंट में पैसा है नहीं, तो मेरा बैंक क्या करेगा, लीन अमाउंट में वहां पर 4500 लिख देगा, मतलब अब मुझे मेरा 4500 रुपया हमको बैंक को देना होगा। जैसे ही हम अपने बैंक में पैसा डालेंगे, चाहे वो 2000 हो चाहे 2500, उसमें से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और लीन अमाउंट में भी उतना माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे पैसा वहां पर चुकाना पड़ सकता है, तो ये भी एक संभावित रीजन कारण हो सकता है, ठीक है। एक रीजन और यहाँ पर हो सकता है दोस्तों, रीजन ये हो सकता है कि आप मान लीजिए बैंक अकाउंट में आपका ओवरड्राफ्ट का एक अकाउंट है, ठीक है। अब बैंक में जो है आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, फिर भी आपने पैसा वहां से निकाल लिया, खर्चा कर दिया, बैंक ने आपको जो है ना स्वीकृति दे दिया, क्योंकि आपका बैंक में जो है कुछ अच्छा स्टेटस बना हुआ है, आप अच्छे से अपने अकाउंट को मैनेज करते हो, आपका अच्छा से बैंक में स्टेटस बना है, बैंक ने आपको जो है अनुमति दिया, आपने जरूरत से ज्यादा जो है पैसा निकाल लिया जो कि आपके अकाउंट में नहीं था, लेकिन समय से आपने उसमें भुगतान नहीं किया, तो फिर क्या किया, बैंक ने आपके लीन अमाउंट में उतना अमाउंट चढ़ा दिया, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट चढ़ाया उस अमाउंट को आपको बैंक को चुकाना पड़ सकता है, ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया, पैसा आएगा अकाउंट में और फिर वो लीन अमाउंट में थोड़ा थोड़ा कम होते चला जाएगा, ठीक है। तो अपने से आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप रीजन मालूम कीजिए क्या कारण से हुआ है, फिर उसके बाद उसका आप उपाय कीजिए।
ठीक है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने बैंक में एक सेफ डिपॉजिट लॉकर लिया हो, और लॉकर जब आप लेते हो तो हर साल जो है उसका कुछ पैसा कटता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, वो पैसा नहीं कट पाया होगा, तो उस केस में भी जो है आपके अकाउंट में लीन अमाउंट चढ़ जाता है और उस पैसा को आपको चुकाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखो तो लीन अमाउंट कोई खुशी का चीज नहीं है, वो पैसा होता है जो कि बैंक को आपको देना होता है। मतलब बैंक में जब पैसा जाएगा तो वो वहां से डिडक्ट कर लेगा बैंक, ठीक है। तो ये चीज होता है। एक चीज और यहां पर हो सकता है कि आपने मान लीजिए बैंक से लोन लिया हो और आपका लोन अकाउंट जो है आपके सेविंग अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ होगा और आपका हर मंथ में ईएमआई कट रहा होगा, लेकिन किसी कारण से आप ईएमआई नहीं भर पा रहे होंगे, ठीक है। तो उस केस में भी जो है आपके अकाउंट में जो है लीन अमाउंट चढ़ जाता है, ठीक है। लीन अमाउंट चढ़ जाएगा उस अकाउंट में, तो फिर जो है जब भी आप पैसा डालोगे अकाउंट में अपने, उस वो पैसा कट जाएगा, तब तक कटता रहेगा जबकि आपका लीन अमाउंट में अमाउंट शो होता रहेगा, ठीक है। तो जब भी लीन अमाउंट आपके बैंक में अकाउंट में लग जाता है, इसका मतलब ये है कुछ रीजन होगा, कुछ कारण होगा। बैंक में जाके आपको सबसे पहले पता करना चाहिए, और पता करने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पर अपने प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। लीन अमाउंट पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अच्छा आपको लगेगा सुनने के बाद। जब ये लीन अमाउंट अभी हाल में स्टार्ट हुआ है, जब ये लीन अमाउंट स्टार्ट हुआ था तो अचानक मैंने देखा कि हमारे बैंक अकाउंट में लीन अमाउंट जो है वहां पर शो होने लगा 1 करोड़, ठीक है। हम काफी घबरा गए, क्या हुआ क्या ये। फिर हम लीन अमाउंट के बारे में पता कि ये होता क्या है, एकदम बिल्कुल नया नया ये मतलब स्टार्ट हुआ था ये सिस्टम, मुझे पहले पता ही नहीं था। तो हमको मेरा दिमाग खराब हो गया कि बाप रे 1 करोड़ में, तो बाप रे मर ही जाएंगे। बहुत तरह का ख्याल मन में आने लगा, साला ये पैसा क्या। इतना तो समझ में आ गया था, इंटरनेट पर नॉलेज लिया कि ये बहुत उधारी होता जो बैंक को देना पड़ता है, लेकिन दिमाग खराब हो रहा था कि समझ में नहीं आ रही ये कैसे हो सकता है। फिर हमने उस समय बैंक में केवाईसी चल रहा था, ठीक है, सब लोग जितने भी कस्टमर्स थे उनको बोला जा रहा था कि आप बैंक में आके अपना केवाईसी करवाइए, एक निश्चित समय के बाद बैंक में केवाईसी करवाना पड़ता है। तो सब बहुत सारे लोग, मुझे नहीं बहुत सारे लोगों को मैसेज गया था मोबाइल पर, लीन अमाउंट 1 करोड़ से 1 रुपया कम था, कुछ 99 लाख समथिंग कुछ था, ठीक है। तो हम तो घबरा गए, हम तो बैंक गए, और बैंक में जब मालूम चला ये कि ये जो लीन अमाउंट आपको यहाँ पर शो किया जा रहा है, ये एक्चुअली कस्टमर को एक तरह से मन में वो डराने के लिए वो बताया वहां से, एक तरह से लोगों में एक तरह का डर पैदा हो कि जल्दी से जल्दी वो केवाईसी करवा लिए, ठीक है, इसके लिए वो दिया जा रहा है। तब जाके जब हम पता किए तब जाके चैन आया कि चलो, फिर फटाक से जो है ना जो भी केवाईसी करना था वो केवाईसी हमने किया, सब कुछ जो भी डालना था डॉक्यूमेंट डाल के केवाईसी हमने करवा लिया। तो वो अलग चीज था, एक तरह जो मैं कहानी था मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बताया, लेकिन जो मैंने एक्चुअल चीज बताया उस चीज को आप याद रखिएगा। अगर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो बैंक में जाके आप इसके बारे में पता कीजिए, उसको प्रॉब्लम को आप वहां से दूर कीजिए, ठीक है। जो भी पैसा दिख रहा है वो बैंक को दे के अपना प्रॉब्लम जो है ना वहां से लीन अमाउंट को आप रिमूव करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।